ओम शांति आज बाईस सितंबर की शूरदान में आप सबको स्वागत है हमारे अल्पकाल के संस्कार जो कि कुछ समय के हमने कई जन्मों पहले हमने उनको अपने अंदर भरा हुआ है और उन कई जन्मों से पहले हमारे अंदर बिल्कुल ही दैवी संस्कार थे बहुत ही सुंदर संस्कार थे तो परमात्मा में याद दिलाते हैं कि जो तुमने सीखा है अभी वो तुम्हारे अल्पकाल के संस्कार हैं बहुत छोटे समय के संस्कार हैं तो अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले अनादि मीन्स जब से आदि शुरू हुई है उसके पहले जब हम कंप्लीट प्योर थे इस धरती पर आने से पहले करने वाले वरदानी महादानी भवा अल्पकाल के संस्कार जो ना चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं अरे नहीं बोलना चाहते निकल दिया अरे क्यों बोल दिया मैंने अरे क्यों कह दिया अरे क्यों सुना दिया अरे क्यों गलत देख लिया क्यों गलत बोल दिया क्यों गलत कर दिया कहते हैं इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था मेरा लक्ष्य नहीं था लेकिन हो गया कर्म में आ गया कहीं कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ या बोलती हूँ तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं मजबूर क्या बना देते हैं बुरे कर्म करने में अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो बार बार जब भी क्रोध आए जब भी अहंकार आए जब भी काम वासना तो याद करो कि मैं अनादि रूप में मैं कैसी आत्मा हूँ कौन सी आत्मा हूँ जब मैं परम धाम में थी तेम ना मेरे अंदर काम वासना ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना अहंकार आजू बाजू सारी आत्माएं मेरी बैठी हुई थी बिना शरीर के और उनके साथ में मेरी शांति स्वरूप मेरी अवस्था थी आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न सदा वरदानी और महादानी संपन्न कंप्लीट हर चीज़ों में किसी चीज़ की इच्छा नहीं है सदा वरदानी वरदान देना औरों को औरों को गाइड करना और महादानी मतलब ज्ञान से परिपक्व करना विजडम देना और को ना कि उल्टा करना तो ये अनादि संस्कार हमारे हैं लेकिन इनको हम अगर याद नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो संस्कार नहीं आएंगे अगर हम हमेशा क्रोध याद करेंगे हमेशा ईर्षा घृणा नफरत की बातें याद करेंगे तो हमारे संस्कार चेंज कैसे होंगे इसलिए मेडिटेशन करते समय मैं और आत्मा कैसी थी मेरे को परमात्मा ने कैसे बनाया था मैं ऊपर परंधा में रहते हुए कैसी होती थी मैं आत्मा मेरी सोच क्या थी मेरे बोल क्या थे मेरे कर्म क्या थे औरों के बारे में मेरे संकल्प क्या होते होंगे सत्यु में कैसे होंगे मेरे संकल्प ये सब कुछ याद करने से हमारे अंदर प्योरिटी आती है और हमारे नेगेटिव थाट्स कंप्लीटली कम होने शुरू होते हैं ये मेडिटेशन करने का एक और तरीका है ओम शांति इसके साथ